गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि है फीजन। ओके, इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पहले पढ़ चुके थे बाइनरी फीजन, अब हम लोगों को स्टडी करना है मल्टीपल फीजन। तो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टॉपिक निकल कर आता है मल्टीपल फ्यूज़न। ओके, बाइनरी फ्यूज़न में क्या था कि एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में बट रहा था, पर मल्टीपल फ्यूज़न में क्या होगा कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वह ढेर सारे ऑर्गेनिज़म्स में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फ्यूज़न। तो मल्टीपल फ्यूजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम देखा आप लोगों ने? हाँ, प्लाज्मोडियम कहाँ होता है? प्लाज्मोडियम होता है हमारे जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है जो हमको मलेरिया करती है, वह फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर एक प्रोटोजुआ प्रेजेंट होता है, उस प्रोटोजुआ को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, जो कि हमको क्या कर लेगा, मलेरिया। अब इसने जब वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब हमारे पास सकिंग के लिए आती है ब्लड, तो उस समय क्या करेगी कि हमारी बॉडी की आरबीसी सेल के अंदर ये छोड़ देगी इस प्लाज्मोडियम को। तो ये प्लाज्मोडियम को छोड़ने के बाद इस प्लाज्मोडियम ने क्या किया कि फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो अनफेवरेबल कंडीशन में इसने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म से ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बना दिए। तो एक से अनेक बनने की जो प्रोसेस होती है वह कहलाती है मल्टीपल फीजन। और जब फेवरेबल कंडीशन आई तो इसने क्या किया कि इसके आउटर मोस्ट लेयर जो थी उसको सिस्ट बोलते हैं, वो सिस्ट को रैप्चर कर दिया, फोड़ दिया और सारे प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर बिखर गए। तो ये जो है ये प्रोसेस कहलाएगी आपकी मल्टीपल फीजन। एक न्यूक्लियस का ढेर सारे न्यूक्लियस में बढ़ जाना, उसके आसपास साइटोप्लाज्म का बन जाना और हमारी पूरी बॉडी में इनका स्कैटर्ड हो जाना, ये हमारी प्रोसेस जो है मल्टीपल फीजन में आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बडिंग। तो बडिंग की जो प्रोसेस होती है वो मोस्टली हम लोग देख पाते हैं कि इसमें हाइड्रा और ईस्ट में। तो आपने ईस्ट देखी होगी? हाँ, आपने सबने ईस्ट देखी होगी। ईस्ट कहाँ मिलती है? ईस्ट मिलती है हमारे ब्रेड के ऊपर, आपने ब्रेड देखा हो। वैसे ईस्ट बहुत सी जगह मिलती है, जहाँ पर भी मॉइस्ट प्लेसेस मिलती हैं, जहाँ नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पर ईस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये ईस्ट क्या करती है कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है उस कंडीशन में अपने स्पोर्स जो होते हैं वो क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं। ओके, ये क्या करेगी कि इसकी में फेवरेबल कंडीशन जब आती है उन फेवरेबल कंडीशन में क्या करती है, स्पोर्स बनाती हैं, और ये स्पोर्स जो हैं वो हर जगह स्प्रेड करती है। तो उससे पहले ये क्या करती है कि एक छोटी सी ईस्ट होती है उसके ऊपर छोटी सी कली लगती है, बर्ड का मतलब होता है कली, एक छोटी सी बर्ड लगेगी और यह बर्ड जो है वो डिवाइड होगी, फिर इसके ऊपर एक और लगेगी, ऐसे करते 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 एक के ऊपर ढेर सारे छोटे छोटे आउटग्रोथ निकल जाती हैं, उस आउटग्रोथ को हम लोग बोलते हैं बडिंग। ओके, तो ये मोस्टली ईस्ट में होता है। इसका नाम मैं बता देता हूँ, कौन सी ईस्ट में होता है, सैक्रोमाइसिन सर्वाइसी। कौन सी ईस्ट में? एक यूनिसेलुलर ईस्ट है, सैक्रोमाइसिन सर्वाइसी नाम की एक ईस्ट होती है, यूनिसेलुलर होती है, उसके अंदर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। इसमें भी पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड होगी, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और ये स्कैटर्ड होती जाएगी। इसके अलावा आपने हाइड्रा देखा होगा, हाइड्रा भी जो होता है यूनिसेल मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म होता है, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पर जाकर अटैच्ड हो जाता है। ओके, किसी भी पर्टिकुलर दीवार के ऊपर जाकर अटैच्ड हो गया। अब ये किसी दीवार के ऊपर अटैच होने के बाद इसमें से छोटी सी आउटग्रोथ निकली, इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। ओके, ये छोटी सी आउटग्रोथ है, ये छोटी सी आउटग्रोथ क्या कहलाएगी, बर्ड कहलाएगी, और फिर ये जब मैच्योर हो जाएगी तो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी और किसी सबस्ट्रेटम पर जाकर चिपक जाएगी। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है बडिंग इन हाइड्रा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन की बात करें और रीजनरेशन की बात करें, तो फ्रेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन का जो बेस्ट टॉप एग्जाम्पल है वो है हमारा स्पायरोगायरा। ओके, तो स्पायरोगायरा जो होती है एक तरह की क्या होती है, एल्गा होती है। स्पायरोगायरा आप लोगों ने एल्गा को अपने तालाब में देखा होगा, ये रिबन शेप स्ट्रक्चर होता है।
ओके, तो ये रिबन शेप, ये वॉम शेप स्ट्रक्चर होता है इतना लंबा सा। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं, डिवीज़न होते हैं, और इन डिवीज़न में ही हर डिवीज़न में अपना क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। क्या होती है? मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, फोटोसिंथेटिक बॉडी होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में एबल होती है। तो ये क्या करेगी कि जब एक्सीडेंटली, जब बहुत तेज पानी का बहाव आ रहा हो, तो ये या किसी एक्सीडेंटली की वजह से ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, और हर टूटे हुए पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, या नया स्पायरोगायरा बन जाता है। तो वह कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब डिवीजन या पार्टीशन, छोटे छोटे खंडों में टूटने की जो प्रोसेस होती है वह कहलाता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। ओके, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज नोन एज द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है। रीजनरेशन टॉपिक के अंदर हम बात करें तो ये टॉपिक आपको सभी ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलता है, कुछ ऑर्गेनिज्म से लिजार्ड। ओके, लिजार्ड की बात करें तो आपने देखा होगा कि जब हम लिजार्ड को भगाते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, तो अपने टेल को गिरा देती है। तो वो भी थोड़े दिन बाद वो अपनी टेल को वापस बना लेती है, उसे बोलते हैं रीजनरेशन। उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में क्या होता है भैया, ह्यूमन बॉडी में लीवर होता है। अगर हम उस लीवर को किसी को दान दे दें, ओके, 1/3 पोर्शन की बात करें, अगर हम उसको किसी को दान दे दें, तो ये लीवर वाला पोर्शन हमारी बॉडी में वापस बन जाता है। उसी तरह स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश में अगर हम एक आम को काट दें, तो इससे ये जो टूटी हुई आम है वो वापस आ जाएगी। ओके, तो ऐसे स्किन की बात करें, स्किन ग्राफ्टिंग की बात करें, तो स्किन भी क्या होती है, रीजनरेट होती है। बट इससे कोई भी नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनता है। बट अगर हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे मेट्रोडियम हुआ, या हमारा एक और ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया। ओके, जो प्लेनेरिया होता है, उस प्लेनेरिया को अगर एक्सीडेंटली या हम भी अगर काट देते हैं, मान लीजिए प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया को हॉरिजेंटल या वर्टिकल पोर्शन में अगर काट दिया जाए या ब्रेक डाउन कर दिया जाए, तो एवरी पार्ट बिकम ग्रो इंटू न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक पार्ट जो होता है वह नए ऑर्गेनिज्म से ग्रो हो जाता है, क्योंकि इनकी जो सेल होती है वो स्पेशलाइज स्टेम सेल होती है, जिनको कैपेसिटी होती है डिवीज़न की, पॉलीफ्रिकेशन की, वापस से नया ऑर्गेनिज्म बनने की इसमें कैपेसिटी होती है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द रीजनरेटिंग ऑर्गेनिज्म। ये रीजनरेटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपनी बॉडी में नया ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की कैपेसिटी इसमें होती है। ओके, इसके अलावा देखिए डायग्राम में भी तरह है, बडिंग में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किसे बोलते हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट है, ओके, स्पेशली एंजियोस्पर्म की हम बात करें, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। एंजियोस्पर्म मतलब होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो इसमें भी ऐसे बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनमें या तो फ्लावरिंग हो रही है, पर दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। अगर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, पर उसमें सीड नहीं लग रहे हैं। ओके, सीडलेस भी होते हैं बहुत से। अगर सीड भी लग रहा है, वो सीड इज अनेबल टू ग्रो, वो सीड भी नहीं ग्रो हो पा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट जो हैं वो एसेक्सुअली, अब उनके कुछ पार्ट से क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेंगे। तो कौन कौन से वो पार्ट हो सकते हैं प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? पहला होता है लीव। ओके, प्लांट्स के फ्लावर को छोड़कर जितने भी वेजिटेटिव पार्ट हैं, क्योंकि फ्लावर क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर क्या है भैया, हमारे पास एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बट अगर हम किसकी बात करें, हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव का मतलब ही होता है वेजिटेटिव पार्ट्स। ओके, तो इन वेजिटेटिव पार्ट्स में भी हमारे पास बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लीव, स्टेम और थर्ड है रूट। ये बहुत सी चीज़ें होती हैं जो प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उनमें तो फ्लावर से हो ही नहीं रहा। तो लीव जो होती हैं वह
या फिर उनकी स्टेम जो होती है वो, या फिर इनकी रूट जो होती है वो क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये नेचुरली दो तरीके से होता है, एक तो नेचुरली मतलब पत्ती गिरी और उसमें रिप्रोडक्शन हो गया, ओके, बहुत से ट्यूबर हुए गिरे अपने आप रिप्रोडक्शन हो गया, ओके, या फिर क्या होता है कि उनकी जो स्टेम है वो एक जगह से दूसरी जगह चली गई किसी कारण से बहते हुए, तो रिप्रोडक्शन हो गया। बट एक होता आर्टिफिशियली, ओके, आर्टिफिशियल कौन करेंगे, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसमें ह्यूमन बीन अपना इंटरफेरेंस करें, ह्यूमन बीन उसमें अपना योगदान दे। तो ये दोनों तरह से हम लोग क्या करेंगे, वी कैन डू द रिप्रोडक्शन, हम दोनों तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करवाएंगे, ओके। इसके अलावा एक और मेथड होगा आर्टिफिशियल के अंदर ही, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ओके, तो वो भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।